दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 1999 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी का, जिसका नाम है सरफरोश। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, सोनाली बेंद्रे, गोविंद नामदेव, श्री वल्लभ व्यास, मुकेश ऋषि, प्रदीप रावत, अखिलेंद्र मिश्रा, आकाश खुराना, समीता जयकार, मनोज जोशी, राजेश जोशी, मकरण देश पांडे और उपासना सिंह। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जॉन मैथ्यू मथन। आप बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक टेररिस्ट बस अटैक से, जहां वीरन यानी गोविंद नामदेव और उसकी गैंग बस में सवार हर एक मुसाफिर को मार देते हैं। और ऐसे सरकार एक स्पेशल एक्शन टीम तैयार करती है, जिसे शुरुआत में तो इंस्पेक्टर सलीम यानी मुकेश ऋषि हेड करता है, मगर फिर एक गैंगस्टर एस्केप के बाद उससे ये चार्ज ले लिया जाता है। और फिर एसीपी अजय सिंह राठौर यानी आमिर खान को इस टास्क फोर्स का हेड बना दिया जाता है। अब इसके आगे फिल्म की कहानी काफ़ी दिलचस्प हो जाती है, जहां अजय का पास्ट भी रिवील होता है, और साथ ही साथ फिल्म में बहुत से अहम किरदारों की भी एंट्री होगी। और ये सब जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। आप बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन के बारे में, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरफरोश एक रियलिस्टिक होलसम एंटरटेनर है, जो इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द हाई रेटेड फिल्म्स में से एक है। और डायरेक्शन वाइज भी सरफरोश फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर जॉन मैथ्यू मथन का अपने प्रोडक्ट को लेके विजन बेहद क्लियर था। और स्क्रीन प्ले राइटिंग की बात करें, तो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहद स्मूथ है, जहां ये फिल्म एक भी सेकंड के लिए लूज पड़ती नहीं दिखाई देगी। और फिल्म का हर एक सीन बेहद बारीकी के साथ लिखा गया है, जो ऑडियंस को शुरू से लेके एंड तक कहानी के साथ जोड़े रखता है। इसके अलावा डायलॉग्स की बात करें, तो इस फिल्म में हमें बेहद डीप और मीनिंगफुल डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जिन्हें काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। और बात करें एक्शन सीन्स की, तो इस फिल्म में एक्शन सीन्स को बिल्कुल रियल रखा गया है, जहां इस फिल्म में हमें टिपिकल 90s एक्शन से हट के काफ़ी यूनिक एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें बेहद खूबसूरती के साथ फिल्माया गया है। इसके अलावा म्यूज़िक की बात करें, तो फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी बढ़िया है, जहां इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर तो आउटस्टैंडिंग है ही, साथ ही साथ फिल्म का साउंडट्रैक भी आइकॉनिक और एवरग्रीन है। ख़ास तौर पे सॉन्ग्स जो हाल दिल का, इस दीवाने लड़के को और होश वालों को खबर क्या, तो अपने वक्त के काफ़ी मशहूर गाने हैं, जिन्हें आज भी लोग बेहद शौक से सुनते हैं। आप बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो आमिर खान इस फिल्म में आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस दे गए, जहां एसीपी अजय का ये इंटेंस रोल आमिर खान पे इतना ज़्यादा सूट कर रहा था कि बड़े से बड़ा एक्टर भी इस रोल में आमिर खान को टक्कर नहीं दे पाता। इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में एक महाजिर मौसीकार के किरदार में नज़र आए, और मेरे ख्याल से गुलफाम हसन का ये रोल सिर्फ और सिर्फ नसीरुद्दीन शाह के लिए ही बना था, और आप लोगों ने शायद ही इतनी अट्रैक्टिव और नेचुरल परफॉर्मेंस पहले कभी देखी हो। और बात करें मुकेश ऋषि की, तो मुकेश ऋषि भी इक्वली इम्पैक्टफुल नज़र आए, और उन्होंने भी इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया। इसके अलावा सोनाली बेंद्रे और फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में काफ़ी बढ़िया काम किया है। आप बात करें इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म को 30 अप्रैल 1999 को रिलीज़ किया गया था, और इस फिल्म का बजट 8 करोड़ था, और इस फिल्म ने इंडिया में 18 करोड़ 76 लाख का कलेक्शन किया था, और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 33 करोड़ 46 लाख का कलेक्शन किया था, और ये फिल्म
हिट साबित हुई थी। ओवरऑल देखा जाए तो सरफरोश एक मस्ट वॉच मास्टरपीस मूवी है, जिसे बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवी कहना भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, सरफरोश मूवी मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूँगा। आप सब भी इस आइकॉनिक मूवी को ज़रूर देखिएगा, और अगर आप आमिर खान को पसंद करते हैं तो ये मूवी आपको बेहद पसंद आएगी।